दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है चमत्कारी समाधान नवरात्रि पर। दोस्तों, नवरात्रों का समय बहुत ही पवित्र समय होता है। इन 9 दिनों में आप अपनी सारी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कुछ चमत्कारी समाधान जिनको अपनाकर आप भी सुखमय जीवन व्यतीत कर सकते हैं। कनक धारा स्रोत का पाठ करना अति लाभकारी माना जाता है, इसलिए नवरात्रों के इन 9 दिनों तक किसी पीपल के पेड़ के नीचे पश्चिमी मुखी होकर कनक धारा स्रोत का पाठ करें। पाठ खत्म हो जाने के पश्चात कपूर के साथ 5 लौंग भी जला लें। अब इसकी भभूत का तिलक अपने माथे पर लगा लें और एक चुटकी का सेवन कर लें। बाकी बचे हुए भभूत को किसी तालाब या बहते हुए जल में प्रवा दें। नौकरी के लिए अब आपको भटकने की कोई जरूरत नहीं है। इसके लिए नवरात्रि के 9 दिनों में रोजाना अपने ऊपर से एक नींबू उतारें और उसे 4 टुकड़ों में काट दें। अब किसी चौराहे पर जाएं और चारों दिशाओं में एक एक टुकड़ों को फेंक दें। वापस आने के बाद हाथ मुंह जरूर धो लें। नींबू फेंकते समय यह सोचें कि आप अपने बुरे समय और अपने दुर्भाग्य को फेंक रहे हैं। घर में एक सिद्ध पारद का समीरु श्री यंत्र स्थापित करें। इससे घर में सुख शांति आती है। इस यंत्र की रोजाना पूजा करें। काली माता को नवरात्रि में नींबुओं की माला अर्पित करें। इससे आपके सारे बिगड़े हुए कार्य सही होने लगेंगे। एक सिद्ध महाकाली यंत्र अपने घर में स्थापित करें और रोज दुर्गा कवच या काली कवच का पाठ नियमित तौर पर करें। इससे काला जादू खत्म हो जाता है और आप परेशानी मुक्त हो जाते हैं। घी के 9 दीपों को से रोजाना महालक्ष्मी जी को अर्पण दें और साथ में श्री सूत का पाठ भी करें। ऐसा करने से लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होने लगती है। दोस्तों, ये कुछ रहस्यमय और चमत्कारी बातें। देखते रहिए और सीखते रहिए हमारी वीडियो से, और अगर आपको ये अच्छी लगी तो जरूर इनको लाइक और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो फ्रेंड्स।